What's up people? Good morning and view देखो ऐसे view के साथ अगर सुबह उठोगे तो और क्या चाहिए life में. तो रात को हम लोग यहाँ पे बैठे थे dinner के बाद थोड़ा ऐसे ही गप्पे वप्पे मार रहे थे और एक घंटा वगैरह time pass क्या रहेगा और 12 बजे के आसपास हम लोग सोने चले गए. It's 7 in the morning. हम लोग अभी एक घंटे में सब लोग रेडी हो जाएंगे फिर नाश्ता करेंगे और हम लोग का बाइक्स तो ऑलरेडी खड़ा है नीचे दिखा देता हूँ आपको. यहाँ पे तो बाइक का टेस्ट ड्राइव वगैरह करेंगे और फिर 9 बजे के आसपास हम लोग निकलेंगे यहाँ से. हम लोग का आज का प्लान है हम लोग आज पूरा लेह सिटी घूमने वाले हैं जो भी लोकल साइट सींग है एंड एवरीथिंग. तो या चलो लेट्स गेट फ्रेश एंड मिलते हैं ब्रेक के बाद. अभी ऑल फ्रेश हो गए हैं नहा धो के सब रेडी और अभी बाइक का टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं. चलो डन और अभी ऑल सेट टू गो. एवरीबडी इज गियर्ड अप. चलो अभी चलते हैं फोटो सेशन करते हैं और फिर निकलते हैं आगे जर्नी के लिए. हेलीकॉप्टर भी खड़ा है. पता नहीं ये नॉर्मल लोगों के लिए खुला है कि नहीं. मतलब मे बी राइड्स वाइड्स होते रहेंगे या फिर वो आर्मी का तो नहीं लग रहा है. लेकिन पता नहीं इन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसा बैठने के लिए स्टेडियम जैसा बनाया है. यहाँ पे कुछ तो कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते रहेंगे आई गेस. तो और वहाँ पर है सिंधु नदी. तो ये है सिंधु घाट. यहाँ पे वैसे मतलब नॉर्मल थोड़ा टाइम पास और फोटोग्राफी के लिए अच्छा है. यहाँ पे खड़े रह के वो पूरा जो पीछे का सीनरी है वहाँ पे स्नो वाले थोड़े फार माउंटेंस है तो अच्छा फोटोग्राफी हुआ यहाँ पे. और हम लोग ने ऑलमोस्ट एक घंटा यहाँ पे फोटोशूट में डाला है. अभी नेक्स्ट सारे जगह पर बाकी है. ऐसा टाइम अगर हम लोग हर जगह पर वेस्ट करने लगे तो फिर हो गया हम लोग का आज का सिटी टूर. सेकेंड स्पॉट शेयर पैलेस. ये लेह का जो राजा था उसका पैलेस था. शेयर पैलेस आने के लिए बाइक आपको कार जो भी है वो नीचे पार्क करना पड़ता है और फिर ये जो रास्ता है वो ऊपर आपको लेके जाता है. थोड़ा सा कुछ 100-200 मीटर्स का वॉक है ऊपर चढ़ने तक. और ये पूरा देखो पहाड़ के पत्थरों से ही बना हुआ है. पहाड़ भी वैसे ही का वैसे ही रखा हुआ है उन लोगों ने. लेह का सिटी टूर रहेगा ना तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. कैब लड़कियों के लिए स्कार्फ और सनस्क्रीन लोशन. देवेंद्र यहाँ पे अंदर एक बुद्धा का टेंपल है जहाँ पे आने के लिए आपको 30 रुपीज़ का एंट्री टिकट भरना पड़ता है और ये उनका ऑफरिंग्स. बहुत पीसफुल जगह है और उसका पूरा एक राउंड मार के आप उसी जगह से उतर सकते हो. चलो दैट्स इट फ्रॉम द शेयर पैलेस. अभी नेक्स्ट स्पॉट जाते हैं जहाँ पे मॉनेस्ट्री है और एक मतलब ऐसे ही रहेगा लेकिन वो थोड़ा सा हाइट पे है और वो बाकी सब डिटेल्स वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं.
तो हम लोग आए अभी नेक्स्ट स्पॉट पे, ठीक से मॉनेस्ट्री। इसका पूरा आजू बाजू में एकदम ओपन ग्राउंड है, थोड़ा बहुत ग्रीनरी है, थोड़ा बहुत, एकदम ज़्यादा भी नहीं मैं बोल पाऊँगा, और एकदम क्लियर स्काई। नाउ यू विल नो व्हाई पीपल कॉल इट हेवन। हम लोग इससे पहले वो रैंचो का स्कूल में गए थे, पता है, थ्री इडियट में जो है, यस, वहाँ पे गए थे, लेकिन उनका लंच ब्रेक चालू था 1 to 2, और यहाँ पे भी आए ठीक से में, वहाँ पे भी लंच ब्रेक चालू है 1 to 2, तो वी आर थिंकिंग टू हैव आवर लंच ओवर हियर इन दिस रेस्टोरेंट। और वो होने के बाद हम लोग ऊपर जाएंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे रैंचो के स्कूल। चलो खाना खा लेते हैं। डन विद द लंच, अभी चलते हैं मॉनेस्ट्री के अंदर। सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ दिस मॉनेस्ट्री। यहाँ से ऊपर जाना है, दिस इज अ हॉलवे काइंड ऑफ अ थिंग। Those monk actually sits here for the meditation. हम लोग अभी मॉनेस्ट्री का टेरेस पे जा रहे हैं, थकने हो रहे हैं। हम लोग ने खाना खाया ना, उसके बाद इतने बड़े बड़े स्टेप्स हैं इनके। Check it out. इसके टेरेस से बहुत खतरनाक व्यू आता है, मतलब पूरा पैनोरमा। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं रैंचो का स्कूल। हाँ चलो, चलो भाई रैंचो भैया को मिलते हैं। आई मीन वो लोकेशन को देखते हैं जहाँ पे थ्री इडियट्स का शूटिंग हुआ था। वेन एवर यू आर कमिंग हियर, यू आर नॉट सपोज टू गो डायरेक्टली इनसाइड। सो अंदर जाके वो गाइडेड टूर देते हैं, और उनके गाइड के साथ ही हम लोग अंदर जा सकते हैं। तो चलो अंदर जाते हैं। ये पूरा कैंपस जो है वो अर्थक्वेक प्रूफ है, एंड पूरे कैंपस में कहीं पे भी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। सिर्फ ये पॉइंट जो है जहाँ पे वो चतुर का टॉयलेट वाला सीन था, वो यहीं पे है, बस इधर ही से फोटो और वीडियो अलाउड है, बाकी पूरा कैंपस में अलाउड ही नहीं है। और 3-4 स्पॉट है जहाँ पे शूटिंग हुआ था मूवी का, लेकिन विजिटर लोगों को सिर्फ यही एक पॉइंट पे एक्सेस है। स्कूल अभी हम लोग आए स्टोक स्तूपा एंड मॉनेस्ट्री। यहाँ के हर मॉनेस्ट्री को जाने वाला जो रास्ता रहता है वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि कोई भी कैमरा उसको जस्टिस दे ही नहीं पाएगा सच में। और फिर बाइक राइड, अनबिलीवेबल यार, पूरा व्यू ब्रिज टेकिंग रहता है। चलो अब इसके अंदर क्या देखते हैं। तो ये स्तूपा के अंदर एक क्या है, म्यूजियम है, उसका कुछ एंट्री फी है 70 rupees। यहाँ से अभी अंदर जाना है।
अभी हम लोग मॉनेस्ट्री के बाहर ऐसे ही चिल आउट कर रहे थे और ये व्यू का एंजॉय कर रहे थे। यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना पीसफुल लग रहा है यहाँ पे। बस वो बर्ड्स का चिरपिंग सुनाई दे रहा है और दूर दूर तक फैला हुआ लैंडस्केप। ऑसम। इट्स 7 इन द इवनिंग, अभी तक उजाला है यहाँ पे। अभी यहाँ से निकलेंगे हम लोग होटल और वहाँ पे हम लोग जाके चाय और स्नैक्स जो भी है वो करेंगे और उसके बाद जल्दी सो जाएंगे क्योंकि हम लोग को कल सुबह जल्दी निकलना है पैंगोंग लेक के लिए, तो इसीलिए अभी हम लोग को निकलना पड़ेगा। चलो निकलते हैं, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे कल। चलो तब तक के लिए सिया, घूमते रहो, घुमाते रहो एंड हैव फन इन योर लाइफ गाइस।